Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Namaskar. आज से हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों के बारे में एक श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम भारत में जो आधुनिक राजनीतिक चिंतक हुए हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे निश्चित रूप से भारत में राजनीतिक चिंतकों की एक लंबी श्रृंखला रही है और आधुनिक समय से पहले भी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक चिंतक हुए हैं जिन्होंने राजनीतिक चिंतन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पहले भी उनके विचारों पर काफ़ी चर्चा होती थी और अब और भी ज़्यादा उनके विचारों पर चर्चा होती है मिसाल के तौर पर आप सब लोगों ने कौटिल्य के बारे में पढ़ा होगा और भी जो राजनीति सिद्धांत के विद्यार्थी वो जानते हैं कि किस तरीके से यह माना जाता है कि मैक्याविली से पहले कौटिल्य ने इस बात की चर्चा की थी कि, कि किस तरीके से एक शासक को व्यवहार करना चाहिए जो एक रियल पावर पॉलिटिक्स होती है उसकी चर्चा कौटिल्य ने की थी और ऐसे ही कई अन्य जो राजनीतिक चिंतक हैं उनकी एक श्रृंखला है लेकिन आम तौर पर जब हम राजनीतिक सिद्धांत के दायरे में जाते हैं तो वहाँ पर पश्चिमी विद्वानों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उनके लेखन को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और अक्सर उनके लेखन को सार्वभौमिक या यूनिवर्सल लेखन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है यानी कि एक ऐसा लेखन जो कि पूरी दुनिया के लिए सच है हालांकि हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं है और जितने भी चिंतक हैं जितने भी सिद्धांतकार हैं जिनके बारे में हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं और जिनके विचारों को अक्सर यूनिवर्सल विचारों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उनके विचार असल में उनके अपने संदर्भ से निकले थे और इस लिहाज से उनकी सीमाएँ भी हैं धीरे धीरे करके भारतीय राजनीतिक चिंतकों को पढ़ने की उनको समझने की उनकी चिंतन के आधार पर सैद्धांतिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति मजबूत होती जा रही है और एक तरीके से इसे जो ज्ञान का जो पूरा दायरा है उसके डीकोलोनाइजेशन या वी ऑप्निवेसीकरण से भी जोड़ा जाता है हम जिस रूप में आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों के बारे में बातचीत करेंगे उसमें हमारी यह कोशिश होगी कि हम इन विचारकों के द्वारा अपने संदर्भ को देखते हुए यानी कि जिस संदर्भ में उन्होंने जन्म लिया जिन संदर्भ में वो आगे बढ़े जिस संदर्भ में उनके विचारों ने एक आकार ग्रहण किया उसको समझते हुए उनके विचारों के कुछ प्रमुख सूत्रों को आपके सामने रख पाएं इस कार्य में हम सिर्फ उनके विचारों पर ध्यान नहीं देंगे जब हम उनके संदर्भ की बात करेंगे तो हम उनके जीवन के बारे में भी बातचीत करेंगे कि आखिर किन पहलुओं ने उनके लेखन को प्रभावित किया उनकी उनकी जिंदगी कैसे बीती उन्होंने कौन सी प्रमुख कृतियाँ रचीं और उनके विचारों से कौन से प्रमुख सूत्र निकल कर सामने आते हैं और इसके बाद हम उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करेंगे कि आखिर इन चिंतकों के विचारों में जो कमियां थीं या जो एक अंतर्विरोध जिसे हम कह सकते हैं वो क्या थे इस तरह का आलोचनात्मक मूल्यांकन हमें किसी भी चिंतक को ज़्यादा गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है उसकी एक दिशा प्रदान करता है एक बात जरूर है कि जब हम इस तरह के चिंतन के अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ते हैं यानी कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों के बारे में गहराई से पढ़ने की शुरुआत करते हैं और उसके लिए हम एक पाठ्यक्रम के रूप में कुछ चीज़ों को चुनते हैं तो उस चुनाव में ज़रूर कुछ चीज़ें बाहर छूट जाती हैं ऐसा मुमकिन नहीं है कि 20 या 30 घंटे के एक लेक्चर में हम यह दावा करें कि हमने सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक चिंतकों को इसमें सम्मिलित कर लिया है तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि जिस पूरे पाठ्यक्रम पे हम बातचीत करने वाले हैं उसकी रूपरेखा क्या है लेकिन मैं यहाँ यह बात ज़रूर रेखांकित करना चाहूँगा कि ऐसा लग सकता है कि कुछ चिंतक शायद इससे छूट गए ऐसा भी लग सकता है कि कुछ ऐसे चिंतकों को इसमें शामिल किया गया है जो कई अन्य चिंतकों की तुलना में शायद थोड़े कम महत्वपूर्ण हैं लेकिन उसकी एक मेथोडोलॉजी है जिस तरीके से हमने इस पाठ्यक्रम में चिंतकों को शामिल किया है जिसके बारे में आज की इस व्याख्यान में आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरी एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है वह यह कि हर एक जो लेक्चर है उसमें एक घंटे में हम एक चिंतक के बारे में बातचीत करेंगे और निश्चित रूप से एक घंटा किसी भी एक चिंतक को समझने के लिए इतना पर्याप्त नहीं होता है कि हम कह सकें कि हमने उसके ऊपर एक गहन समझ बना ली इसलिए मैं यह कहूँगा कि ये पूरी जो चर्चा है ये जो पूरी श्रृंखला है उसे आप एक परिचयात्मक श्रृंखला के रूप में ज़्यादा देखें जहाँ पर मिसाल के तौर पर जब आपसे बाल गंगाधर तिलक की बात कही जाती है या फिर जब आपसे जयपाल सिंह मुंडा की बात कही जाती है तो उनके उनके जीवन के बारे में उनके लेखन के बारे में उनके विचारों के प्रमुख सूत्रों के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश की जाएगी और आप यह कोशिश रहेगी कि उसके बाद आप इन विचारकों के बारे में ज़्यादा पढ़ने के लिए उत्सुक हों और इनके बारे में ज़्यादा अध्ययन करें लेकिन यहाँ जब मैं इस श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं यह वायदा ज़रूर कर सकता हूँ कि जब आप इन सभी लेक्चर्स को सुनेंगे तो उसके बाद इन सभी चिंतकों के बारे में एक गहरी समझ आप बना पाएंगे जो कि परिचयात्मक समझ होगी लेकिन उनके प्रमुख विचारों की एक समझ उसमें जरूर सन्निहित होगी तो संपूर्णता का दावा कोई नहीं कर सकता है संपूर्णता का दावा इस श्रृंखला में भी नहीं है लेकिन यह दावा या यह, यह वायदा जरूर है कि जिन भी चिंतकों को जिन भी विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया है उसकी एक परिचयात्मक किंतु गहरी समझ आपको मिलेगी और यह उम्मीद भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि आप उसके बारे में और ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे आज का जो ये पूरा व्याख्यान है उसमें हम राजनीतिक चिंतन के स्वरूप और राजनीतिक सिद्धांत से इसका इसकी कैसी पृथकता है उसको समझने की उसमें कोशिश करेंगे और ये जो हमारी पूरी चर्चा की रूप रेखा है उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा सबसे पहले हम राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक सिद्धांत के बारे में एक समझ बनाने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो राजनीतिक चिंतन होता है और जो राजनीतिक सिद्धांत होता है उन दोनों में हम कैसे फर्क कर सकते हैं राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए जो अध्ययन पद्धति होती है या जो उसका व्याख्या शास्त्र जिसको हम कह सकते हैं हार्मोन्यूटिक्स उसके बारे में जो एक बात होती रही है वह क्या है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए हारमोनीटिक्स के संदर्भ में काफ़ी सारे काम किए गए हैं आ, क्या हम उसे ज्यों कहते हो भारत में आ, अपना सकते हैं इस पहलू पर हम बातचीत करेंगे फिर हम यह देखेंगे कि यूरोपीय विचारों का कितना प्रभाव रहा आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पर और फिर आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के दो तरीकों की हम बात करेंगे और वहाँ मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि हम उन दो तरीकों में से किन तरीकों किस तरीके की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आखिर में मैं आपके सामने इस पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा प्रस्तुत करूंगा, यानी मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने इस पाठ्यक्रम को जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे कितने भागों में इसको बाँटा है और उसमें हमने किन किन चिंतकों को सम्मिलित किया है सबसे पहले हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक सिद्धांत की एक समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पर चर्चा का आरंभ करने से पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक चिंतन में किस प्रकार अंतर किया जाता है राजनीतिक चिंतन हमेशा ही एक व्यक्ति या व्यक्तियों के एक समूह के चिंतन या विचार से संबंधित होता है राजनीतिक सिद्धांत ऐसी नियंत्रित व्याख्या अनुमान और या सिद्धांत के रूप में होता है जो सैद्धांतिक विश्लेषण के आधार पर राजनीतिक व्यवहार या भविष्य की राजनीतिक घटनाओं से जुड़े प्रश्नों के बारे में उत्तर देने का प्रयास करता है राजनीतिक चिंतन की तुलना में राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति सिद्धांत पॉलिटिकल थियरी को ज़्यादा व्यवस्थित माना जाता है और जो राजनीतिक चिंतन होता है उसमें यह माना जाता है कि आम तौर पर जो एक राजनीतिक चिंतक है उसके सामने उसके जीवन के अलग अलग दौर में विभिन्न प्रकार की समस्याएँ आईं और उसने उन समस्याओं से या उन मुद्दों से के प्रति एक प्रतिक्रिया देते हुए कुछ विचारों को लिखा और ये जो विचार हैं वह उसके अपने समय से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और इस आधार पर उसमें एक सैद्धांतिक व्याख्या की गुंजाइश तो होती है लेकिन वो पूरी तरह से सिद्धांत नहीं होता है यह दावा नहीं किया जा सकता है कि वो सिद्धांत ही है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि सिद्धांत एक अलग तरह की चीज़ होती है और आमतौर पर हम अगर राजनीतिक सिद्धांत की कुछ विशेषताओं को समझने का प्रयास करें तब हम राजनीतिक चिंतन से उसकी पृथकता को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो राजनीतिक चिंतन में जो सबसे पहली बात होती है वह होती है अवधारणात्मक संवेदनशीलता जिसको कॉन्सेप्चुअल सेंसिटिविटी बोलते हैं इसका मतलब होता है कि अगर कोई राजनीतिक सिद्धांतकार किसी अवधारणा का मिसाल के तौर पर न्याय का लोकतंत्र का समानता का स्वतंत्रता का इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो वह इस बारे में बिल्कुल ही स्पष्ट होता है कि वह किस तरह से इनका इस्तेमाल कर रहा है उसके पहले किस तरह से लोगों ने इस्तेमाल किया है इन शब्दों का और जिस तरीके से वह इन अवधारणाओं या बड़े विचारों का इस्तेमाल कर रहा है वह कैसे अलग है तो ये एक कॉन्सेप्चुअल सेंसिटिविटी या अवधारणात्मक संवेदनशीलता सिद्धांत की विशेषता होती है दूसरा दूसरी विशेषता इसकी तार्किक संरचना होती है यानी कि बातें क्रमबद्ध रूप से सामने आती हैं अगर एक विषय है न्याय उस पर बातचीत हो रही है तो कॉन्सेप्चुअल सेंसिटिविटी के साथ ही साथ बातों का की एक तार्किक संरचना होती है जिसका मतलब होता है कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य तीसरे वाक्य चौथे वाक्य में एक जुड़ाव है बातें सही तरीके से सामने आ रही हैं तीसरे स्तर पर इसमें यह कोशिश की जाती है कि मनुष्यों के हासिल किए जाने लायक सत्य या वस्तुनिष्ठता को प्राप्त किया जाए इसका मतलब है कि दो बातें हैं इसमें एक कि यह स्वीकार किया जाता है कि मनुष्य पूरी वस्तुनिष्ठता शायद हासिल ना कर पाए लेकिन उसे कोशिश लगातार करनी चाहिए कि वो जितनी ज़्यादा वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी हासिल कर सकता है उतना जा, उतनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी हासिल करें ऑब्जेक्टिविटी का मतलब यह है कि अगर कोई घटना घटती है तो उसमें हमारे अपने विचार होते हैं लेकिन उसके साथ थोड़ी दूर हटकर हम उसके सारे पहलुओं को देखकर और फिर कोई बात कहते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो ऑब्जेक्टिव बात हो तो वो सिर्फ हमारी अपनी जो बनी बनाई समझ है उसको सामने ना लाए और यह जो पहलू है वह राजनीति सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता होती है और इसके साथ जैसे मैंने कहा कि यह बात भी स्वीकार की गई है कि यह मनुष्य के लिए बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है कि वह उस तरीके से वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव हो जाए जैसे कि साइंस में होता है कि H2O यानी कि वाटर या जल या पानी ऐसा नहीं हो सकता है सोशल साइंस में सोशल साइंस में अगर आप एक घटना को देखते हैं तो उस घटना की व्याख्या में आपकी अपनी समझ आप जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आ रहे हैं उस सामाजिक पृष्ठभूमि की भूमिका ये सारी बातें रहेंगी लेकिन जो एक सिद्धांतकार होता है वह कोशिश करता है कि जितना ज्यादा उससे मुमकिन है वह उतने ज्यादा ऑब्जेक्टिव होकर वह देखे मिसाल के तौर पर अगर आप यह देखते हैं कि उदाहरण में देना चाहूंगा कि एक आंदोलन चल रहा है जैसे मिसाल के तौर पर चौरी चौरा आंदोलन और उसमें कुछ पुलिस वालों को जलाकर हत्या कर दी जाती है तो एक भारतीय के रूप में आप इसे कैसे देखेंगे एक श्रमिक वर्ग या किसान वर्ग के व्यक्ति के रूप में आप इसे कैसे देखेंगे और एक राजनीतिक सिद्धांतकार के रूप में आप इसे कैसे देखेंगे उसमें अंतर हो जाता है क्योंकि अगर एक भारतीय के रूप में हम देखेंगे तो शायद हम यह कहें कि चूंकि अंग्रेज बहुत ज्यादा शोषण कर रहे थे पुलिस की हिंसा है तो अगर लोगों ने एक कार्रवाई कर दी तो इसमें क्या गलत है या फिर हम किसानों के या श्रमिकों के रूप में बात करेंगे तो हम यह बात कह सकते हैं लेकिन अगर हम और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होकर घटनाओं को दूर से देखें तो हम यह कह सकते हैं कि शायद इस तरह की घटना में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी तो मैं सिर्फ यह बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीतिक सिद्धांत में इस तरह की ऑब्जेक्टिविटी पर जोर दिया जाता है और यह स्वीकार किया जाता है कि अगर यह ऑब्जेक्टिविटी पूर्ण नहीं हो सकती है तब भी जो भी राजनीतिक सिद्धांतकार है उसकी यह कोशिश होनी चाहिए कि यह ज्यादा से ज्यादा यानी जितनी हासिल की जा सकती है उतनी हो उसके बाद चौथी बात इसमें आती है कि आसपास जो चल रही घटनाएं हैं उनको इसमें सामने लाने की कोशिश की जाती है उसकी एक समझ देने की कोशिश की जाती है कि जो भी घटना हो रही है वह किस तरीके से कि हो रही है बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं हम समझते हैं कि ये चीजें हो रही हैं लेकिन उसको एक सूत्र के रूप में पूर्व रखना राजनीतिक सिद्धांतकार का काम है और इसके बहुत तरह के उदाहरण देश के स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग सिद्धांत बनाने का काम करते हैं उसमें दिख जाता है मिसाल के तौर पर हम सब यह देखते हैं कि बाजार की भूमिका बढ़ रही है लेकिन कुछ ऐसे जो राजनीतिक सिद्धांतकार होंगे वह इन बहुत सारी परिवर्तनों को एक सूत्र मिलाते हुए एक सिद्धांत प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम इन सभी बदलावों को कैसे समझें और पांचवा इसमें एक जनरैलिटी सामान्यता का तत्व होता है यानी कि पूरी व्याख्या करने के बाद यह कोशिश की जाती है कि कुछ बातें एक सामान्य निष्कर्ष के रूप में या कुछ बिंदुओं के रूप में कही जा सके कि ये चीज़ है जो कि इन सभी बातों में जिसका वर्णन किया गया है या जिस पर सैद्धांतिकरण किया जा रहा है उसमें मौजूद है और पांचवा एक गैर अनुमानात्मक तत्व नॉन स्पेकुलेटिव एलिमेंट यानी कि कुछ फैक्ट्स होने चाहिए जिसके आधार पर यह बात कही जा सके तो ये यानी कि कुछ आंकड़े हो सकते हैं कुछ फील्ड से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं जिसके आधार पर सिद्धांतकार कहे कि जो मैं बातें कह रहा हूँ उसके समर्थन में कुछ प्रमाण भी मेरे पास हैं तो वो पॉलिटिकल फिलॉसफी से यही वो चीज़ जो होती है पॉलिटिकल थियोरी अलग हो जाती है क्योंकि उसमें जनरैलिटी का तत्व होता है क्योंकि उसमें एक नॉन स्पेकुलेटिव या गैर अनुमानात्मक तत्व होता है कुल मिलाकर हम यह देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की जो पूरी संरचना होती है वह संरचना काफ़ी व्यवस्थित होती है उसमें जो कॉन्सेप्चुअल सेंसिटिविटी होती है यानी कि अवधारणात्मक संवेदनशीलता जो होती है वह होती है उसमें सत्य को पाने की कोशिश होती है जितना कि एक मनुष्य कर सकता है और उसमें जनरेलिटी और गैर अनुमान अनुमानात्मक तत्व जैसे पहलू होते हैं तो ये चीज़ें राजनीतिक चिंतन में उस रूप में नहीं मिलती हैं जैसे कि मैंने आपको शुरू में यह बताने की कोशिश की कि अगर हम राजनीतिक चिंतकों को पढ़ें तो आम तौर पर वो अपने समय की समस्याओं से प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांतकार भी यही करते हैं लेकिन राजनीतिक चिंतन उतनी ज़्यादा व्यवस्थित होने की कोशिश नहीं करता है जितना एक राजनीतिक सिद्धांतकार करता है तो हम उसके लेखन से कुछ चीजों को निकाल सकते हैं उसके समय के हिसाब से उसको देख सकते हैं और यह बता सकते हैं कि वह किस तरीके से स्वतंत्रता के बारे में अपने समय की स्थितियों के अनुसार सोच रहा था समानता के बारे में सोच रहा था या स्त्री अधिकारों के बारे में सोच रहा था और किस तरीके के तत्व तो उसके पूरे लेखन से उभर सामने आते हैं लेकिन हम एक राजनीतिक चिंतक को जब पढ़ते हैं और जब हम कहते हैं कि उसका जो लेखन है वो राजनीतिक सिद्धांत से काफ़ी दूर है तब हम यह उम्मीद उससे नहीं करते हैं कि वह पूरी तरीके इस से इस चीज़ का ख्याल रखें कि जिस समस्या का वह वर्णन कर रहा है उसकी शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में दूसरे विचारकों ने क्या कहा है उनकी उनके विचारों से इसका विचार कैसे अलग है वह किस तरीके से अपने एक सत्य को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है या उसने कुछ तथ्यात्मक चीज़ों को ध्यान में रखा है या नहीं ये चीज़ें राजनीतिक चिंतन में अक्सर मौजूद नहीं होती हैं कुछ राजनीतिक चिंतकों में ये एक सीमा तक मौजूद हो सकती हैं कुछ राजनीतिक चिंतकों में इनकी मौजूदगी और कम होती है लेकिन एक राजनीतिक चिंतन को चिंतक को राजनीतिक सिद्धांतकार मानने के लिए जरूरी है कि उसका लेखन ज़्यादा व्यवस्थित हो उसके लेखन में इन उपरोक्त सभी पहलुओं के बारे में विचार किया गया हो लेकिन हम यह जरूर कह सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन कई बार राजनीतिक सिद्धांत के आधार के रूप में काम कर सकता है वह अवधारणात्मक संवेदनशीलता या कॉन्सेप्चुअल सेंसिटिविटी की धारणा को बढ़ाने में काम कर सकता है तो कुल मिलाकर संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि जब हम राजनीतिक चिंतन को पढ़ते हैं तो वह राजनीतिक सिद्धांत की तुलना में थोड़ा कम व्यवस्थित होता है और कई बार ज़्यादा कम व्यवस्थित हो सकता है यानी कि उसमें बिल्कुल ही क्रमबद्ध अध्ययन हो ऐसा हम नहीं मान सकते हैं यह भी सच है कि एक चिंतक के राजनीतिक विचारों को से राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया अब राजनीतिक चिंतन के अध्ययन की पद्धति या व्याख्या शास्त्र के बारे में हम बातचीत करेंगे पश्चिमी राजनीतिक चिंतन में चिंतकों के विचारों के अध्ययन की, की विविध पद्धतियों का विकास किया गया है और ये पद्धतियाँ हमें एक दिशा दे सकती हैं कि जब हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की बातचीत कर रहे हैं तो क्या हम इन पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं या हम इसका प्रयोग या इस पूरी चर्चा का इस्तेमाल यह सोचने के लिए भी कर सकते हैं कि क्या आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में इस तरीके की पद्धतियों के उपयोग की कोई प्रथा रही है तो उसके लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले हम इन पद्धतियों को समझें तो मुख्य रूप से जो पद्धतियाँ विकसित की गई हैं राजनीतिक चिंतकों के विचारों को अध्ययन करने के लिए उसमें पहली पद्धति मार्क्सवादी व्याख्या है जिसमें यह समझने की कोशिश की जाती है कि अगर कोई राजनीतिक चिंतक है तो क्या वह अपने समय के विचारों की जो प्रभुत्वशाली विचार थे उनका समर्थन करने की कोशिश कर रहा है या उनका समर्थन कर रहा है उनके पक्ष में बातें कह रहा है या फिर वह उनका विरोध कर रहा है आमतौर पर जो मार्क्सवादी व्याख्या है उसमें जो मौजूदा सत्ता संबंध होता है यानी मिसाल के तौर पर अगर हम एक लेखक जॉन लॉक जो चिंतक हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो मार्क्सवादी व्याख्या इस बात पर जोर देती है कि क्या जॉन लॉक अपने समय की मौजूदा जो एक सत्ता संबंध था उसकी उसका जस्टिफिकेशन करते हुए लिख रहे हैं या वो उसका विरोध कर रहे हैं और आम तौर पर इसमें साबित करने की कोशिश की जाती है कि अधिकांश जो चिंतक होते हैं वह अपने समय के सत्ता संबंधों के अनुकूल होकर लेखन करते हैं चाहे वो प्लेटो हो चाहे वो एरिस्टोटल हो चाहे वो आ, आ, जो जॉन लॉक हो हालांकि इसमें कमी यह आ जाती है कि जो दूसरे तरह के लेखक होते हैं जो अपने समय की जो मजबूत या प्रभुत्वशाली प्रवृत्ति होती है उसको चुनौती देते हैं उसकी बात इसमें नहीं आती है और सबको एक रंग से रंगने की कोशिश की जाती है यह कहा जाता है कि खुद कार्लमार्क को भी फिर यह कहा जा का भी वर्णन इस रूप में हो सकता है कि उन्होंने अपने समय की मजबूत प्रवृत्तियों को ही मजबूत करने का काम किया लेकिन सच्चाई यह है कि उनके लेखन में कई ऐसे तत्व हैं या बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसमें उन्होंने अपने समय की जो प्रभुत्वशाली धारा थी उस पर सवाल खड़ा किया उसके खिलाफ जाकर अपनी बातें कहें तो मार्क्सवादी व्याख्या का अर्थ मुख्य रूप से यही है कि, कि किसी भी चिंतक को पढ़ने का आधार यह है कि हम उसके समय की आर्थिक व्यवस्था को देखें उसके समय की सत्ता संरचना को देखें और फिर हम यह बात समझने की कोशिश करें कि, कि किस तरीके से यह चिंतक अपने विचारों को रख रहा है और क्या यह अपने समय की मजबूत धारा की अनुकूल बनने की कोशिश कर रहा है या उस पर वह सवाल खड़े कर रहा है दूसरी व्याख्या सर्वाधिकारवादी व्याख्या या टोटेलिटेरियन इंटरप्रिटेशन मानी जाती है इसके प्रतिपादक कार्ल पॉपर को माना जाता है जिन्होंने एक बुक लिखी ओपन सोसाइटी ओपन सोसाइटीज एनिमीज़ और इसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि अगर हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों की पूरी एक श्रृंखला उठाकर देखें जिसमें कि वो प्लेटो से लेकर मार्क्स तक सबकी बात विचारों का रूसों तक सबके विचारों का विश्लेषण करते हैं तो उनका कहना है कि उसमें हम एक टेंडेंसी देख सकते हैं एक प्रवृत्ति पा सकते हैं कि ये सर्वाधिकारवादी शासन का समर्थन करते हैं तो मुख्य रूप से जो टोटलिटेरियन अप्रोच है इंटरप्रिटेशन का व्याख्या करने का जो एक सर्वाधिकारवादी तरीका है उसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से एक प्रमुख जो चिंतक है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वह अपने समय में टोटेलिटेरियन जो प्रवृत्ति है जो शासन उसका समर्थन कर रहा है या नहीं यानी कि क्या वह अपने विचारों के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता है जिसमें सत्ता का जो केंद्र हो उसका पूरा नियंत्रण लोगों के जीवन पर रहे और इसका इस्तेमाल करते हुए कार्ल पॉपर ने विचारकों का अध्ययन किया है हालांकि इसकी कमी यह है कि कई बार चूंकि निष्कर्ष दिमाग में पहले से साफ है कि हमें यह देखना है कि कोई एक चिंतक जो है वह किस सीमा तक नियंत्रित करता है समाज को उसका उसका जस्टिफिकेशन देता है वो उसके बारे में उसके पक्ष में तर्क देता है तो कई बार हम बहुत सारे चिंतकों को गलत पढ़ लेते हैं लेकिन यह भी एक तरीका है मनोविश्लेषक व्याख्या जो है वह व्याख्या की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि के रूप में है इसमें किस बात की समझ बनाई जाती है फ्रॉयड के विचारों से यह काफ़ी प्रभावित है और इसमें यह कोशिश की जाती है कि जो भी चिंतक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके जीवन के तमाम पहलुओं की एक समझ बनाने की कोशिश की जाए और यह देखा जाए कि क्या कोई ऐसी घटना घटी है जिसके कारण से उसके जीवन में उसके विचारों पर एक गहरा प्रभाव पड़ा मिसाल के तौर पर इसमें उदाहरण के लिए हम जॉन स्टुअर्ट मिल की बात कर सकते हैं जिनके बारे में यह कहा जाता है कि चूंकि उनके पिता उनको बहुत अनुशासन में रखते थे इतने ज़्यादा अनुशासन में रखते थे कि उन्होंने कम उम्र में ही बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान तो हासिल कर लिया लेकिन एक तरीके से वह एक डिप्रेशन का शिकार भी हो गए और फिर यह कहा जाता है कि इसी कारण से बाद में उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि लोगों के पास जो एक असीम स्वतंत्रता है होनी चाहिए विचारों के संदर्भ में, में।, तो में, में बहुत ज्यादा नहीं हुआ है हम जितने विचारकों को आगे देखेंगे उनमें शायद महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे विचारक हैं जिनकी जीवन और चूंकि खुद उन्होंने अपनी आत्मकथा में इन बातों को रेखांकित किया है तो उनके जीवन के कुछ प्रमुख घटनाओं के आधार पर उनकी राजनीति की व्याख्या करने की कोशिश की जाती है चौथा नारीवादी व्याख्या का एक तरीका है इसमें यह कोशिश की गई और 1970 के दशक में इसका विकास हुआ और इसमें कोशिश यह की गई कि यह देखा जाए यह समझा जाए कि जो अलग अलग तरह के विचारक हैं उनके स्त्रियों के बारे में क्या विचार थे और उन्होंने स्त्रियों के अधिकारों का किस सीमा तक समर्थन किया स्त्रियों के अधिकारों का उन्होंने किस सीमा तक विरोध किया और इसके आधार पर उन विचारकों की विचारों के लेखन की समीक्षा की जाती है इसके बाद एक स्ट्रोसवादी व्याख्या आती है आ, इसका भी इस्तेमाल आ, एक अलग तरह से चीजों को समझने के लिए किया जाता है खास तौर पर लियो स्ट्रोस का जोर इस बात पर था कि जो पुराने राजनीतिक चिंतक थे पश्चिम में वो अपने समय की परिस्थितियों से बचने के लिए कई बार गूढ़ भाषाओं में लेखन करते थे और उस वो कहते हैं कि वो ऐसी भाषाएं थीं जिन्हें जिनके माध्यम से अपने विचारों को रख भी देते थे और अपने समय की का जो शासन था उसकी जो एक तरीके से दमनकारी नीतियाँ थी उससे बच भी जाते थे तो उनका यह कहना है कि इसके लिए हमें ज़्यादा गहराई से जाकर उस समय जो शब्द इस्तेमाल हो रहे थे उनके जो अलग अलग अर्थ होते थे उसको समझना चाहिए तब हम उस अर्थों को लगा लगा पाएंगे हालांकि इसमें आ, व्यक्तिनिष्ठ या सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की काफ़ी गुंजाइश होती है क्योंकि यह जानना बहुत मुश्किल है कि एक समय जब किसी लेखक ने किसी शब्द का इस्तेमाल किया तो वो किन चीज़ों को छिपाने के लिए और किन चीज़ों को बताने के लिए कर रहा था तो जो व्यक्ति इसकी व्याख्या करेगा काफ़ी हद तक वह सब्जेक्टिव तरीके से यह कह सकता है कि एक लेखक एक खास तरीके से एक शब्द का इस्तेमाल करता है तो वह शासन के दमन से बचने के लिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा था उसका लक्ष्य कुछ और था हालांकि यह बात ज़रूर है कि यह हमें इस बात का मौका देता है कि हम किसी लेखक के संदर्भ को देखें किसी चिंतक के संदर्भ को देखें उस समय इस्तेमाल होने वाले भाषा के स्वरूप को देखें और फिर हम यह बताने की कोशिश करें कि जिन शब्दों का वह प्रयोग कर रहा था उसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं तो ये एक ज़्यादा अलग तरीके से भाषा पर ध्यान देने की बात करते हैं उत्तर आधुनिकता व्याख्या जो है उसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि किस तरीके से जो लेखक हैं वो सत्ता की संरचना के को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे या उन पर सवाल खड़े कर रहे थे तो ये काफ़ी हद तक इस बात पर जोर देता है कि अधिकांश जो लेखक होते हैं वो अपने समय की जो सत्ता की संरचनाएं होती हैं पावर के स्ट्रक्चर्स होते हैं समाज में और इसका मतलब सिर्फ शासन से नहीं है बल्कि मिसाल के तौर पर पितृसत्ता हो गया मिसाल के तौर पर लोगों की अलग अलग पहचानें हो गई तो वो अक्सर इन चीज़ों को मज़बूत बनाने का काम करते हैं और जो चिंतक उस पर सवाल खड़ा करते हैं उसको फिर एक अलग कैटेगरी में रखा जा सकता है यानी कि यह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जितने सारे चिंतक थे वह एक आधुनिकतावादी प्रोजेक्ट के लिए ही काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे इनका जोर ज़्यादा इस पर है कि अधिकांश चिंतक इस पर काम कर रहे थे पर कुछ ऐसे भी थे जो इस पर सवाल खड़े कर रहे थे तो उनके विचारों को उस संदर्भ में देखना कि कैसे ये एक जो आधुनिकता की जो पूरी परियोजना है उसके पक्ष में अपने विचारों को का इस्तेमाल कर रहे थे या फिर वो इसको सवाल इस पर खड़े कर रहे थे तो ये उत्तर आधुनिकता व्याख्या में ध्यान दिया जाता है कैम्ब्रिज स्कूल में की जो व्याख्या है उसमें कॉलिंगवुड का नाम प्रमुखता से आता है और उसमें यह कहा जाता है कि जो राजनीति चिंतन की जो पूरी धारा है वो कुछ बुनियादी सवालों पर टिकी हुई है मिसाल के तौर तो पर न्याय क्या है समानता क्या है स्वतंत्रता क्या है शासन की अच्छी व्यवस्था क्या है और हम यह कह सकते हैं कि सवाल वही हैं और उन सवालों के बारे में अलग अलग तरह के जवाब हैं यानी कि अगर एक प्रश्न है के के रूप में तो हम यह देख सकते हैं कि राजनीतिक चिंतन में जो अलग अलग विचारक हैं उसके अलग अलग जवाब दे रहे हैं के वन एक विचार का स्वरूप हो सकता है के टू हो सकता है के थ्री हो सकता है यानी कि उसमें अंतर भी इतना गहरा नहीं होता है कि हम कह कहें कि सवाल ही इनके अलग अलग हैं तो और उस जवाब की भिन्नता को समझने के लिए हमें हर एक चिंतक की पृष्ठभूमि को देखना होता है उसके समय की संरचना को देखना होता है वो किन परिस्थितियों में लेखन कर रहा था उसको समझना होता है और उसके आधार पर हम उसके जवाब को समझ सकते हैं कुछ हद तक हम इसे आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों में भी देख सकते हैं कि ये सभी जो हैं समतावादी समाज सभी नहीं तो कम से कम अधिकांश समतावादी समाज बनाने की कोशिश में लगे हुए थे इन सभी ने मनुष्य की स्वतंत्रता के बारे में कुछ विचार व्यक्त किए स्त्रियों के अधिकारों के बारे में कुछ विचार व्यक्त किए और अपनी परिस्थितियों के अनुसार इनके जवाबों में एक तरह की भिन्नता भी आई राष्ट्रवाद के संदर्भ में इनकी एक समझ विकसित हुई तो जो कैम्ब्रिज स्कूल है वह इन प्रमुख सवालों को पहचानने और इनके जवाबों को समझने के लिए अलग अलग चिंतकों के पृष्ठभूमि पर ध्यान देने की बात करता है और वो ये कहता है कि अगर हम कॉन्टेक्स्ट पर जिस समय और जिस संदर्भ में एक चिंतक अपने विचारों को रखता है उस पर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो इसका नतीजा यह भी हो सकता है कि हम उस चिंतक को बिल्कुल गलत तरीके से समझ जाए और एक बहुलतावादी व्याख्या है आखिरी यानी कि इसको हम प्लुरल इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं जिसका विकास टेरेंस बॉल ने किया और उन्होंने कहा कि हमारे समय के जो समस्याएँ हैं उनको समझने के लिए हम अलग अलग चिंतकों के पास जा सकते हैं और उनको उनके विचारों का इस्तेमाल अपने समय की समस्याओं को समझने के लिए कर सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर हम पार्टी सिस्टम की बात करें लोकतंत्र में जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उनकी बात करें तो हम यह बात समझने का प्रयास कर सकते हैं कि मौजूदा समय में हमारे देश में जो व्यवस्था अपनाई गई है उसके बारे में अलग अलग विचारक क्या कहते हैं मिसाल के तौर पर गांधी क्या कहते हैं विनोबा क्या कहते हैं अंबेडकर क्या कहते हैं एम एन रॉय ने कैसे विचार व्यक्त किए क्या उन्होंने इसकी कुछ वैकल्पिक रूपरेखा प्रस्तुत की तो या फिर हमारे समय में और भी अगर हिंसा की समस्या है या हम कहें कि राष्ट्रवाद का जो विचार है वह कई तरह की व्याख्याओं को लेकर हमारे सामने आ रहा है तो हम अलग अलग, अलग चिंतकों के पास उसका जवाब ढूंढने के लिए जा सकते हैं तो ये कुछ प्रमुख इंटरप्रिटेशन uh, या व्याख्या के तरीके हैं जो पश्चिमी राजनीतिक चिंतक चिंतन में अपनाए गए अगर हम अपने देश में जो एक आधुनिक राजनीतिक चिंतकों को पढ़ने की प्रणाली है अगर हम उसको देखें तो हम यह पाएंगे कि आम तौर पर इसमें कुछ व्याख्याओं का इस्तेमाल ज़रूर होता है मिसाल के तौर पर संदर्भवादी व्याख्या जो कि कैम्ब्रिज स्कूल से जुड़ा हुआ माना जा सकता है उस पर काफ़ी जोर दिया जाता रहा है कि जब भी हम किसी राजनीतिक चिंतक को पढ़ते हैं हमें इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए मार्क्सवादी नज़रिए से भी बहुत सारे चिंतकों के विचारों की समीक्षा होती रही है मिसाल के तौर पर हम गांधी की बात कर सकते हैं जिनके की ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की काफ़ी तीखी समीक्षा की गई है आ, उसी तरीके से आ, और उनके दूसरे जो पहलू थे उस पर भी ध्यान दिया गया है लेकिन नारीवादी व्याख्या की तरफ भी धीरे धीरे भारतीय राजनीतिक चिंतन आगे बढ़ा है और उसमें बार बार यह समझने की कोशिश की जाती है कि अलग अलग विचारक जिनके कुछ विचारों को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं वो दूसरे आयामों मसलन स्त्रियों के संदर्भ में क्या कह रहे हैं चाहे वो विवेकानंद हो चाहे वो महर्षि अरविंद हो चाहे वो आ, महात्मा गांधी हो, या राजा राम मोहन राय हो, या फिर आ, गुलु गुलु, गुरु गुरु के रूप में जो महा महादेव सदाशिव गोलवलकर प्रसिद्ध हैं उनके विचार हों इन सब लोगों ने इस स्त्रियों के प्रश्नों को कैसे देखा इस पर भी अब ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है तो हम यह कह सकते हैं कि अलग अलग चिंतकों की को समझने के लिए अलग अलग पद्धतियों का आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी प्रयोग हो रहा है लेकिन मनोविश्लेषक व्याख्या मिसाल के तौर पर बहुत इसका कम इस्तेमाल किया गया है जिसका प्रयोग भा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की समझ बनाने के लिए किया जा सकता है हालांकि मनोविश्लेषक व्याख्या भी काफी हद तक सब्जेक्टिव हो जाती है क्योंकि इसमें किसी लेखक के जीवन की एक घटना को पकड़कर उसके विचारों की की प्रगति से जोड़ दिया जाता है अब चूंकि खुद उस चिंतक ने यह बात नहीं कही है तो कई बार यह लगता है कि क्या सच में सही व्याख्या है या फिर एक तरह से कयासबाजी है लेकिन फिर भी इससे हमें बहुत कुछ समझने को मिलता है मैंने जैसे बताया कि महात्मा गांधी के बारे में सुधीर कक्कड़ और कई अन्य चिंतकों ने ऐसा लेखन किया है या आशीष नंदी ने भी इस तरीके का लेखन किया है लेकिन सारे चिंतकों के विचारों की विश्लेषण में यह एक प्रमुख पद्धति नहीं बन पाई है तो कुल मिलाकर जो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ वैया कि हमारे देश में जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन है वह एक वर्क इन प्रोग्रेस या आगे बढ़ रहा काम है इसमें हम कुछ पद्धतियों की बात करते हैं कुछ चीज़ों को समझते हैं और उनके बहुत सारे चिंतकों के जीवन और उनके तमाम घटनाओं को सामने लाने की कोशिश भी हो रही है क्योंकि बहुत सारे चिंतक तो बहुत प्रसिद्ध हैं उनके बारे में काफ़ी काम हुआ है पर बहुत से ऐसे चिंतक हैं जिन पर अभी काम होने की शुरुआत हो रही है तो उनके बारे में अलग अलग तरीके से जानकारियों को एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है हालांकि अलग अलग तरीके के जिन तरीकों का या, यानी कि जिन पद्धतियों का मैंने भी जिक्र किया उन पर आ, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इनका किस तरीके से इस्तेमाल आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए किया जा सकता है लेकिन फिर से संक्षेप में मैं इस बात को रेखांकित करूँगा कि हम काफ़ी हद तक संदर्भ को समझने का प्रयास जरूर करते हैं या किया जाता रहा है भारतीय संदर्भ में मार्क्सवादी पद्धति का भी काफी हद तक इस्तेमाल हुआ है नारीवादी पद्धति से भी यह प्रवृत्ति बढ़ी है कि विभिन्न राजनीतिक चिंतकों को देखा और समझा जाए और कई बार उत्तर आधुनिक तरीके का ही प्रयोग हो रहा है लेकिन वो कम है तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि स्ट्रोसवादी तरीका या उत्तर आधुनिक तरीका और मनो और मनोविश्लेषक तरीका और सर्वाधि सर्वाधिकारवादी तरीका उतना ज़्यादा इस्तेमाल अभी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को समझने के लिए या चिंतकों के विचारों को समझने के लिए नहीं हो रहा है तो बहुत सारी पद्धतियाँ हैं जिसका आगे और गहराई से इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके लिए जरूरी है कि उस पर गहराई से शोध करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए अब हम जिस तरीके से आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों को देखेंगे उसमें मुख्य रूप से हमारी कोशिश यह होगी कि हम उनके संदर्भ को समझें और उनके विचारों को जो एक बड़ा विमर्श चल रहा था उस समय उसके संदर्भ में रखते हुए देखें तो इस तरीके से हमने अलग अलग विचारकों को आपके सामने प्रस्तुत करने की आगे कोशिश की है अभी हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्वरूप के बारे में बातचीत करेंगे आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है इस चिंतन को समझने के लिए आवश्यक है कि आरंभिक आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारों और अवधारणाओं की समझ विकसित की जाए तथा भारतीय समाज और इतिहास की भी एक समझ हो इसलिए आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन या चिंतकों के अध्ययन के संदर्भ पर ध्यान देने की आवश्यकता है यानी कि उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था किस संदर्भ में वो अपनी बातों को लिख रहे थे ऐसा करने पर ही हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की भारतीय परंपरा से जुड़ाव की अच्छी तरह से व्याख्या कर पाएंगे मिसाल के तौर पर अमर्त्य सेन ने अपनी पुस्तक द आर्गुमेंटेटिव इंडियन में यह तर्क दिया है कि यह मानना सही नहीं होगा कि लोकतंत्र भारत को पश्चिम का उपहार था लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना भी सही नहीं होगा कि भारत की धरती पर ही कुछ ऐसा अनूठा था कि यही लोकतंत्र का विकास हुआ उनके अनुसार सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है इसी तरीके से वह अशोक और अकबर की चर्चा करते हुए यह रेखांकित करते हैं कि सेकुलरवाद या सेकुलरिज्म और समावेशन को पश्चिम से आयातित विचार मानना भी पूरी तरह से सही नहीं है इन दोनों शासकों ने भारत की विविधता और समावेशन को स्वीकार किया और उसके अनुसार अपना शासन संचालित किया हालांकि हमें यह स्वीकार करना होगा कि आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पर औपनिवेशिक शासन का भी काफी गहरा प्रभाव पड़ा तो जो बात अमर्त्य सेन के लेखन से सामने आती है वह यह कि हम जब भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को पढ़ते हैं तो हमें पूरी तरीके से यह मानना सही नहीं होगा कि जो भी विचार भारत में आए वो सारे के सारे औपनिवेशिक समय से ही आए बाहर से ही आए आ, लेकिन इसके साथ ही इस तरीके के रोमेंटिसिजम से भी बचना होगा जहां हम यह कहें कि सारे विचार जो हैं वह मूल रूप से भारत की धरती से ही उपजें तो वो इस बात को रेखांकित करते हैं और वो कहते हैं कि दोनों के प्रभावों को हमें एक साथ देखना होगा लेकिन सच्चाई यह भी है कि जो औपनिवेशिक शासन था उसका आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन पर काफ़ी प्रभाव प्रभाव पड़ा औपनिवेशिक शासन और उसके साथ हुए बदलावों ने भारत को एक सूत्र में जोड़ा रेलवे की उसमें भूमिका रही और अपने विश्व शास्त्र ने जिस तरीके से संसाधनों का दोहन करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रसार किया उसके बीच में भूमिका रही और इसके साथ ही भारतीय विचारकों के सामने नए तरीके के पश्चिमी विचार भी सामने आए वो इन विचारों को उन्हें पढ़ने का मौका मिला और उसके हिसाब से उन्होंने यानी कि अधिकांश भारतीय चिंतकों ने अपने विचारों को ढाला अंग्रेजों ने चुनिंदा रूप से भारत के राजनीतिक विचारों और परंपराओं को भी अपनाया उन्होंने ऐसे हिंदू कानून से ब्राह्मणवादी विचारों तथा मुस्लिम चिंतन से और अन्य विचारों को भी अपनाया इससे उन्हें अपने शासन को मजबूती प्रदान करने में सहायता मिली अंग्रेजी शासन के दौरान कानून के शासन सार्वजनिक गुड आदि जैसे विचार सामने आए हमें याद रखने की जरूरत है कि इस संदर्भ में अंग्रेजों ने मुख्य रूप से अपने हितों को ही वरीयता दी यानी कि जब वो हमारे देश में कानून के शासन की अवधारणा ला रहे थे या यह कह रहे थे कि हम पब्लिक गुड के हिसाब से लोगों की भलाई के हिसाब से काम करेंगे तब यह चीज़ वो अपने हित के हिसाब से कर रहे थे यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आ, किताबी रूप से तो ये बातें सामने आ जाती हैं कि उन्हें शासन संचालित करना था उन्होंने आईपीसी का निर्माण किया अलग अलग कानूनों का निर्माण किया वनों के संरक्षण का तर्क देते हुए वनों का प्रबंधन शुरू किया लेकिन असल में यह बातें सिर्फ उनके हितों से ही जुड़ी हुई थी यानी उन्हें बेहतर तरीके से चीज़ों को नियंत्रित करना था इसलिए उन्होंने किया मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि जो आ, वनों के कानून बने हमारे देश में 1864 में सबसे पहले वन विभाग बना फिर 1865 में एक कानून बना फिर 1878 में एक कानून बना फिर 1927 में उसमें संशोधन हुआ तो इस पूरी प्रक्रिया में जो अंग्रेज थे उनका मुख्य ध्यान क्या था कि कैसे वो वनों का बेहतर तरीके से शोषण कर सकते हैं उनका दोहन कर सकते हैं वहाँ के संसाधनों का अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया और वह तरीका यह नहीं था कि वह हर जगह गए और उन्होंने सीधे तौर पर युद्ध किया सब सारे आदिवासियों को जेल में डाला और कहा कि अब ये पूरी की पूरी ज़मीन हमारी है बल्कि उन्होंने कानून का सहारा लिया और उन्होंने कहा कि हम ये पूरी प्रक्रिया कानूनी रूप से कर रहे हैं और उन्होंने घोषणा की कि एक जगह जंगल बन चुका है अब यहाँ पर जिन लोगों की जमीन है वो कागज़ लेकर आएँ हमें दिखाएं कि यह उनकी ज़मीन है हम उनके दावे को मान लेंगे अदरवाइज या अन्यथा हम उस ज़मीन को वन घोषित कर देंगे और उसका इस्तेमाल पब्लिक गुड के लिए करेंगे जो कि आम तौर पर उनका अपना हित होता था जब वो संसाधनों का दोहन कर रहे थे जब वो अपनी नेवी के लिए लकड़ियों को ले जा रहे थे तो वो इसी बात पर ध्यान दे रहे थे लेकिन इसके बावजूद हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे देश में एक प्रवृत्ति आए कि कानूनी रूप से शासन होना चाहिए चीज़ें लिखित कानून के रूप में सामने आनी चाहिए तो ये एक चीज़ थी जो कि औपनिवेशिक शासन से आ, हमें सीखने को मिला या हमारे पास वो चीज़ें आईं औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय चिंतकों का एक ऐसा वर्ग उभर कर सामने आया जो पश्चिमी विचारों से प्रभावित था लेकिन उसने प्राचीन भारतीय विचारों की भी गहरी समझ बनाने की कोशिश की कई विचारों को क, आ, का मानना है का कि गांधी टैगोर अरविंद घोष और अन्य विचारकों ने भारतीय ज्ञान परंपरा से सामने आने वाली बातों को गहराई से पढ़ा लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी चिंतन के साथ भी संवाद किया इस तरह उन्होंने एक ज्ञान मीमांसा के संकट से निकलने की कोशिश की जॉर्जियो बोर्सा ने अपने आत्मीयकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि आधुनिक भारतीय समाज के बुद्धिजीवी वर्ग ने और चिंतकों ने यूरोपीय उदारवादी चिंतन के अवधारणाओं पर नए सिरे से काम किया और उन्होंने उसे अपने समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने का प्रयास किया बहुत सारे चिंतकों ने पश्चिमी विचारधाराओं और राजनीतिक सिद्धांतों को आधुनिकता के बुनियादी तत्व के रूप में स्वीकार किया लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इसे देशज विचारों और मूल्यों से जोड़ने का भी प्रयास किया और यहाँ यह चीज़ महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम अलग अलग राजनीतिक चिंतकों को देखें और आगे इस पर हम काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम इन चिंतकों के बारे में विस्तार, विस्तार से बातचीत करेंगे लेकिन हम ये देखेंगे इन चिंतकों को एक सरसरी निगाह से देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये सभी के सभी ऐसा नहीं था कि पश्चिम को पूरी तरीके से नकारते हैं वहाँ से जो विचार आ रहे थे उसको उन्होंने पढ़ा उसको समझा लेकिन उन्होंने उसको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपनाया अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसमें संशोधन किया और उस पर कई तरीके से एक नए तत्वों के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत किया हम यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण ले सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि हमें पश्चिम से संबंधों को नहीं तोड़ना है वो असहयोग आंदोलन का विरोध करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह एक तरीके के सेपरेशन या पृथकता के सिद्धांत पर आधारित है जिसमें पश्चिम के प्रति बहुत ही नकारात्मक भावना है टैगोर यह मानते थे कि हमें अपने मूल्य जो हमारे सभ्यता के मूल्य हैं प्रेम भाईचारा संवाद के साथ चीज़ों को देखना उसे हमें पश्चिम की ओर ले जाना है जो कि अभी राष्ट्रवाद के दलदल में फंसा हुआ है जहाँ पर हिंसा का बोलबाला हो रहा है तो एक तरफ उन्होंने पश्चिम से संवाद की बात की लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने भारतीय सभ्यता के अनूठेपन पर भी जोर दिया और तीसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि हमें पश्चिम से हर एक चीज़ को नहीं अपनाना है हमें उनके विज्ञान और ज्ञान को पढ़ना है समझना है पर उनके जो राष्ट्रवाद जैसे विचार हैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है यानी कि हम उनके लेखन में बहुत संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो ये इस बात को देख सकते हैं कि वो पश्चिम से चीज़ों को ग्रहण करते हैं उनके साथ लगातार बौद्धिक स्तर पर संवाद करते हैं लेकिन वो अपनी जो बुनियादी विचार हैं उसको भी कायम रखते हैं उसकी शिनाख्त करते हैं और उसके आधार पर वो विश्व से संवाद करना चाहते हैं पश्चिम के विज्ञान से वहां के ज्ञान से बहुत सारी चीजों को ग्रहण करने का समर्थन करते हैं लेकिन हर एक विचार विचार को नहीं वहां से आने वाले राष्ट्रवाद के की, की वह तेजी तीखी आलोचना करते हैं और यह प्रवृत्ति हम गांधी और कई अन्य चिंतकों में भी देख सकते हैं कि उन्होंने पश्चिम के विचारों को भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप इस्तेमाल किया यूरोपीय विचारों के प्रभाव के स्वरूप को अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम यह कह सकते हैं कि भारत में यूरोपीय विचारों के प्रभाव को कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से सामने रखा जा सकता है पहला भारतीय मस्तिष्क पर यूरोपीय विचारों के प्रभाव में एक ऐसी पर, ने एक ऐसी परिघटना को जन्म दिया जिसे भारतीय पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है कई बार इसे मोटे तौर पर बंगाल पुनर्जागरण भी कहा जाता है इसके पहले चरण में सुधारवादी सामाजिक धार्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर जोर दिया गया इसमें राजनीतिक अंतर्वस्तु काफी कम थी और अगर हम देखें आ, मोटे तौर पर राजा राम मोहन राय जैसे चिंतकों को तो उसमें यह तत्व काफ़ी मिलता है इसके विपरीत पुनर् पुनर्जागरण के दूसरे चरण में उपनिवेशवाद विरोधी पहलुओं पर जोर दिया गया असल में यह माना गया कि उदारवादी राजनीतिक चिंतन से आने वाले विचारों और उपनिवेशवाद के हितों के बीच टकराव के कारण इस तरह का चिंतन उभर कर सामने आया तो सिर्फ राजा राम मोहन राय की बात नहीं है अगर हम देखें तो हम सैयद अहमद खान या ज्योतिबा फुले या पेरियार इन सब के लेखन में एक तरह से उपनिवेशवाद का समर्थन भी पा सकते हैं और क्योंकि उन्हें यह लगता है या लगता था कि जो नए विचार आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें अपने समाज को सुधारना है उसको बेहतर बनाना है और जो अंग्रेज हैं या जो अंग्रेजी शासन है वो भारतीयों के हितों के लिए काम कर रही है बाद के दौर में आकर जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उसके शुरुआती दौर में भी सारे लोगों ने नहीं यानी कि गोखले या जो नरमपंथी लोग थे उन्होंने भी औपनिवेशिक शासन के सकारात्मक पहलू को रेखांकित किया लेकिन जिसे हम गर्म दल के रूप में जानते हैं जिसमें बाल गंगाधर तिलक थे और लाला लाजपत राय थे या विपिन चंद्रपाल थे और ऐसे कई और लोग थे उन्होंने उपनिवेशवाद की तीखी आलोचना की तो इसमें हम एक क्रमबद्धता देख सकते हैं कि जो उपनि औपनिवेशिक दौर में आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंता किया प्रभाव को रूप में भी देखा और उसका उन्होंने विरोध आरंभ किया दूसरा यह बात याद रखने की भी जरूरत है कि भारत में पुनर्जागरण का अर्थ मध्ययुगीन परंपराओं को पूरी तरह से त्याग कर ऐतिहासिक परंपराओं की ओर जाना नहीं था इसके बजाय तार्किकता के आधार पर विचार करते हुए पुरानी परंपराओं को मजबूती प्रदान की गई अतीत की पुनर्स्थापना के बजाय सांस्कृतिक और, और बौद्धिक पुनर्प्राप्ति की कोशिश की गई भारतीय राजनीतिक चिंतन से जुड़े विचारक अलग अलग पृष्ठभूमि से सामने आए आ, अपने विचारों से में उन्होंने अपने जीवन आ, के अनुभवों को पिरोया और अपने समूह या देश की मुक्ति के लिए या बेहतरी के लिए रास्ता बताने का प्रयास किया और यह बात हम अलग अलग चिंतकों के पर अगर सरसरी निगाह डालें तो यह बात सामने भी आ जाती है अंबेडकर की सामाजिक पृष्ठभूमि या ज्योतिबा फुले की सामाजिक पृष्ठभूमि गोखले और रानाडे की सामाजिक पृष्ठभूमि से काफ़ी अलग थी और वो अलग अलग अनुभवों के साथ सामने आ रहे थे और उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर ही अपनी चिंतन की रूपरेखा को विकसित किया और उसके आधार पर उन्होंने अपने देश या समूह की मुक्ति के लिए कुछ सैद्धांतिक या कुछ वैचारिक सूत्रीकरण देने का प्रयास किया इस श्रेणी में आ, हम नरमपंथी माने जाने वाले रानाडे गोखले के विचारों के साथ साथ गर्मपंथी विचारों को मुस्लिम आ, और तिलक आदि को भी सम्मिलित कर सकते हैं इसी तरह कई अन्य चिंतक उभर कर सामने आए जिन्होंने अपने समुदाय के हितों पर ध्यान दिया उदाहरण के तौर पर सैयद अहमद खान और इकबाल ने मुस्लिमों के हितों पर ध्यान दिया इसी तरह जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के हितों पर ध्यान देते हुए अपना लेखन किया इस पूरी श्रेणी में कई अन्य नाम भी जोड़े जा सकते हैं आरंभिक स्तर पर विभिन्न चिंतकों ने अपने अपने समुदायों के भीतर सुधार लाने का प्रयास किया लेकिन बाद के दौर में स्वराज या फिर समुदाय के लिए ज्यादा व्यापक अधिकारों की मांग की जाने लगी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के अध्ययन के दो तरीकों पर जोर दिया जाता रहा है एक स्तर पर इसमें अलग अलग व्यक्तियों के जीवन और उनके विचारों के अध्ययन पर बल दिया जाता रहा है वहीं दूसरे स्तर पर कुछ प्रमुख श्रेणियों या विचारों के आधार पर अलग अलग चिंतकों पर ध्यान देने की बात कही जाती रही है उदाहरण के तौर पर अगर हम पहले स्तर पर बात करें तो हम देख सकते हैं कि हम अलग अलग चिंतकों को लेते हैं राजा राम मोहन राय बाल गंगाधर तिलक महात्मा गांधी अंबेडकर, जयपाल सिंह मुंडा ज्योतिबा फुले और इनके जीवन इनके जीवन की परिस्थितियों और उनके विचारों के प्रमुख सूत्रों को सामने लेकर आते हैं और एक दूसरा तरीका यह हो सकता है जिस पर अब ज़्यादा जोर देने की कोशिश कई लोगों के द्वारा की जा रही है कि हम कुछ अवधारणाओं कुछ विचारों को लेते हैं मिसाल के तौर पर हम जाति की बात करते हैं या फिर संप्रदाय की बात करते हैं या फिर स्वतंत्रता की बात करते हैं या नारी अधिकारों की बात करते हैं और फिर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इन सभी मुद्दों पर अलग अलग राजनीतिक चिंतकों ने किस तरीके से विचार किया उनके विचारों को हम कैसे समझ सकते हैं तो ये दो तरीके प्रमुख रूप से आ, रहे हैं और आ, दोनों ही तरीकों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं हालांकि हमने अपने पूरे अध्ययन में आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए उनके जीवन और विचारों का मूल्यांकन किया है यानी कि इस पूरी जो ये जो पूरा सीरीज है उसमें हम अलग अलग चिंतकों पर ध्यान देंगे और उसके माध्यम से उनकी उनकी पूरी व्याख्या को उनके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे विद्युत चक्रवर्ती जैसे कुछ टीकाकारों ने अखिल भारतीय राजनीतिक चिंतन के मूल तत्वों की पहचान करने की कोशिश की है उनके अनुसार इसमें तीन अवधारणाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई है राष्ट्र राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय पहचान सुदीप्त कविराज ने तर्क दिया है कि आधुनिक औपनिवेशिक शिक्षा ने दो प्रकार के विमर्श को जन्म दिया एक अंग्रेजी भाषा का विमर्श और दूसरा देशज भाषा में चलने वाला विमर्श उनके अनुसार जहां पहले प्रकार के विमर्श में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया गया वहीं दूसरे विमर्श पर सामूहिक आजादी को महत्वपूर्ण माना गया और यह एक तरीके से चीज़ों को समझने की एक कोशिश है कि हम कैसे जो पूरे का पूरा चिंतन हुआ है आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों के द्वारा उसको दो भागों में बांटकर कर उसकी समझ बना सकते हैं वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि बीसवीं सदी में भारतीय राष्ट्रवादी होने के दो अलग अलग तरीके के तर्क विकसित किए गए एक तर्क में यूरोप के राष्ट्र राज्य की परिकल्पना की पूर्ण नकल की बात कही गई दूसरे तर्क में भारत की जरूरतों के अनुसार विचारों को नया रूप प्रदान किया गया पहली श्रेणी में सुदीप्त कविराज हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र वा, राष्ट्रवादियों को रखते हैं और दूसरी श्रेणी में गांधी नेहरू और टैगोर जैसे विचारकों को तो एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि सुदीप्त कविराज एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को कैसे समझ सकते हैं कैसे हम इसमें अंग्रेजी में हुए लेखन और देशज भाषाओं में हुए लेखन को देख सकते हैं और वो कहते भी हैं कि अंग्रेजी के लेखन में व्यक्तिगत आज़ादी पर ज़्यादा जोर है और जो भारतीय भाषाओं में लेखन हुआ उसमें सामूहिक मसलों को तरजीह दी गई और फिर वो राष्ट्रवाद के नाम पर भी इन पहलुओं को देखते हैं तो आ, हमारी यह कोशिश रही है कि हम आ, इस पूरे पाठ्यक्रम में आगे यह कोशिश होगी हमारी कि आ, हम अलग अलग चिंतकों के संदर्भ को देखें उनके विचारों को समझने की कोशिश करें और फिर उसका एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करें कई बार उसमें समान तत्व दिख सकते हैं अलग अलग विचारकों में मिसाल के तौर पर यह दिख सकता है कि वो औपनिवेशिक शासन को किस तरीके से देख रहे थे वो जाति के प्रश्नों को कैसे देख रहे थे या वो संप्रदायवाद को कैसे देख रहे थे इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं कुछ विचारकों में कुछ तत्वों की अनुपस्थिति हो सकती है मिसाल के तौर पर अगर हम इकबाल की बात करेंगे तो निश्चित रूप से दलित प्रश्न पर उन्होंने क्या कहा यह महत्वपूर्ण नहीं रहेगा तो ऐसी चीज़ें नहीं ऐसी बातें नहीं होंगी कि एक तरह का थीम्स या विषयों की चार बिंदु हैं और हम सारे चिंतकों में उसी को ढूंढ रहे हैं बल्कि हम उनके लेखन में जो चीज़ें आई हैं प्रमुखता से उसको सामने लाएंगे और फिर जब हम आलोचनात्मक रूप से उनके विचारों का परीक्षण करेंगे तो हम इस बात को जरूर रेखांकित करेंगे कि कुछ पहलू जो है वो वहाँ मौजूद है और कुछ अन्य विचार जो है वो वहां मौजूद नहीं है तो इस लिहाज से पूरे पाठ्यक्रम को हमने तीन भागों में भाग में बांटा है है पहले भाग आरंभिक आधुनिक सुधारकों और रेडिकल चिंतकों पर ध्यान दिया गया है। इसमें निम्नलिखित चिंतक शामिल किए गए हैं राम मोहन राय दयानंद सरस्वती पंडिता रामाबाई सैयद अहमद विवेकानंद ज्योतिबा फुले रामास्वामी पेरियार सावित्रीबाई फुले और ताराबाई शिंदे अब इसमें आ, हम यह देख सकते हैं कि जो रामास्वामी पेरियार हैं या ज्योतिबा फुले हैं उन्होंने जो समाज के वंचित तबके हैं उनके अधिकारों के लिए काफ़ी जोर शोर से आवाज़ उठाई पंडिता रमाबाई और सावित्रीबाई फुले तथा ता, 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 ताराबाई शिंदे और जिसमें हम सावित्रीबाई फुले और ताराबाई शिंदे वाले एपिसोड में कुछ हद तक फातिमा शेख के जीवन के बारे में भी विचार करेंगे हालांकि उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है पर फिर भी एक परिचयात्मक विवरण वहां पर इनके बारे में भी मिलेगा तो इन लोगों ने स्त्रियों के अधिकार और विशेष रूप से वंचित तबकों के स्त्रियों के अधिकारों की भी बात की सैयद अहमद हैं मुस्लिम प्रश्न पर उन्होंने विचार किया और अगर हम देखेंगे दयानंद सरस्वती को तो वह एक ऐसा सुधार हिंदू धर्म में करना चाहते थे जिसके माध्यम से कई सारे जो समीक्षक हैं मानते हैं वो हिंदू धर्म को एक ठोस धार्मिक पहचान देते हुए संगठित करना चाह रहे थे राजा राममोहन राय पश्चिमी विचारों से प्रभावित थे वो अपने वैश्विक शासन के कुछ सकारात्मक पहलुओं को देखते हैं और वो भारतीय समाज में सुधार करने की कोशिश करते हैं तो इस पहले भाग में हमारी कोशिश होगी कि विवेकानंद और अन्य चिंतकों के साथ एक जो अलग अलग तरह की धाराएं आरंभिक दौर में उभर कर सामने आ रही थी उसकी एक समझ बनाई जाए दूसरे भाग में भारतीय राष्ट्रवाद के उदार रेडिकल और जन केंद्रित आलोचनात्मक विचारकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है इसमें बाल गंगाधर तिलक गोपाल कृष्ण गोखले अरविंद रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी भगत सिंह बी आर अम्बेडकर मोहम्मद इकबाल वी डी सावरकर और एम एन राय पर ध्यान केंद्रित किया गया है अगर आप इन सभी चिंतकों पर विचार करें तो आप यह पाएंगे कि ये काफ़ी अलग अलग धाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे मिसाल के तौर पर अगर हम बाल गंगाधर तिलक को देखें तो वो एक गर्म दल या अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा आक्रामक रवैया अपनाने के पक्षधर नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले एक नरमपंथी कांग्रेस के सदस्य थे और उन्होंने नरमपंथी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ संगठित होने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए काम किया अरविंद जो थे वो शुरुआती तौर में क्रांतिकारी थे बाद में उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से अलग अलग तरह से भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद की एक अप्रतिम व्याख्या देने की कोशिश की रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद की आलोचना की उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में अपने विचारों को रखा महात्मा गांधी पर हम दो आ, एपिसोड रखेंगे जिसमें एक में उनके जीवन और हिंद स्वराज की व्याख्या पर ध्यान देंगे और दूसरे में राष्ट्रवाद महिला अधिकार और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे भगत सिंह क्रांतिकारी आ, थे और उन्होंने उन्हें इस पूरे पाठ्यक्रम में जो क्रांतिकारी विचार थे उसके प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है बी आर अम्बेडकर पर भी हमारा दो एपिसोड रहेगा इस जो दूसरा चरण है उसमें हम बी आर अम्बेडकर में जो औपनिवेशिक दौर में उन्होंने जाति के बारे में विचार रखा उस पर हम बातचीत करेंगे उसके बाद इकबाल वी डी सावरकर और एम एन रॉय तीनों तीन अलग अलग धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं इकबाल मुस्लिम दृष्टिकोण से इस पर विचार करते हैं राष्ट्र और दूसरे मुद्दों पर और बाद में उनके कुछ विचार मुस्लिम पृथकतावाद के समर्थन में भी सामने आते हैं सावरकर भी दो राष्ट्र के सिद्धांत की बात करते हैं वो एक क्रांतिकारी नेता होते हैं अपने आरंभिक जीवन में बाद के दौर में वो हिंदुत्व के सिद्धांतकार के रूप में सामने आते हैं एम एन रॉय मार्क्सवाद से जुड़ाव रखते थे बाद में उन्होंने मार्क्सवाद से अलग हटते हुए अपने विचारों का विकास किया और रेडिकल ह्यूमनिज्म को रखा तो ये जो पूरे चिंतक हैं वो अलग अलग धाराओं को सामने लाते हैं तीसरे भाग में भारतीय लोकतंत्र और इसके भविष्य की दिशा को केंद्र में रखकर चिंतन करने वाले विचारकों को शामिल किया गया है इसमें जवाहरलाल नेहरू सी राजगोपालाचारी बी आर अम्बेडकर और खासतौर पर लोकतंत्र और अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में उनके विचार को शामिल किया गया है इसके अलावा इसमें जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया आचार्य नरेंद्र देव जयपाल सिंह मुंडा एम एस गोलवलकर दीनदयाल उपाध्याय और विनोबा भावे पर ध्यान केंद्रित किया गया है आचार्य नरेंद्र देव का जो मुख्य जीवन है वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान का है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने चिंतन किया वह एक भारतीय समाजवादी धारा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि कैसे भारत में एक ऐसे मार्क्सवादी चिंतन को बढ़ावा दिया जा सकता है जो भारतीय परंपराओं को का निषेध ना करें और जो इस बात की की एक धारा तैयार करें कि कैसे हम भारत में एक ऐसी व्यवस्था का विकास कर सकते हैं जिसमें लोग जो साम्यवाद का लक्ष्य है उस ओर बढ़ पाए गुलवलकर हिंदुत्व के विचार को आगे बढ़ाते हैं और दीनदयाल उपाध्याय ने रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात की जयपाल सिंह मुंडा पर आमतौर पर कम बातचीत होती है लेकिन हमने उन्हें इस पूरी चर्चा में एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में सम्मिलित किया है विनोबा भावे भी अलग तरीके से गांधी के विचारों को लेकर आज़ादी के बाद के दौर में लोकतंत्र की बेहतरी के लिए काम करने वाले विचारक के रूप में सामने आते हैं तो ये सारे विचारक जो हैं इन पर हमारी जो पूरी चर्चा होगी उसमें हमारी कोशिश होगी कि हम आपको इन विचारकों के जीवन के बारे में उनके कार्य के बारे में उनके लेखन के बारे में और उनके वैचारिक सूत्रों के बारे में जानकारी दें और उसके बाद हम आलोचनात्मक तरीके से इनके विचारों की समीक्षा भी करेंगे जैसे कि मैंने इस लेक्चर के आरंभ में कहा था कि एक घंटे के व्याख्यान में यह मुमकिन नहीं है कि हम सब एक चिंतक की सारे पहलुओं को आपके सामने रख पाएं और ना ही यह मुमकिन है कि तीस घंटे के एक पाठ्यक्रम में हम सभी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों की बातों सभी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों को सम्मिलित कर पाएं तो कुछ सीमाएं जरूर आपको नज़र आएंगी लेकिन मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहूँगा कि इस पाठ्यक्रम में हमारा उद्देश्य यह है कि हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो अलग अलग चिंतक सामने आए उनके बारे में आपको एक परिचयात्मक किंतु गहरी समझ प्रदान करें इन व्याख्यानों को सुनने के बाद आप इन विचारकों और उनके उनके आ, विचारों के बारे में एक आलोचनात्मक समझ बना पाएंगे और मुझे यह उम्मीद है कि आपके अंदर यह रुचि जगेगी कि आप इनके बारे में और ज़्यादा गहरे स्तर पर जानने का समझने का प्रयास करें तो आगे हम अलग अलग चिंतकों की अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे आज के इस व्याख्यान को या लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूँ अगले अंक में हम मिलेंगे और आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतकों के बारे में अपनी चर्चा के श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे नमस्कार